हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू LCS क्लासेस। तो आज बच्चों हम एक स्पेशल टाइप का रिलेशन पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शन। फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो हेडिंग डालेंगे आप फंक्शन। लिखेंगे डेफिनेशन फंक्शन की, लिखेंगे ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ए रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट of set A has one and only one image in set B। ठीक है, तो फंक्शन क्या होता है? फंक्शन वह रिलेशन होता है, अगर कोई रिलेशन A सेट से B सेट पर डिफाइंड है तो A सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए। ठीक है, मतलब जो डोमेन होगा वो खुद ए सेट ही हो जाएगा। ए सेट के हर एक एलिमेंट की कोई ना कोई इमेज बननी चाहिए और हर एक एलिमेंट की यूनिक इमेज बननी चाहिए, सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं हो सकती। ठीक है, तो डेफिनेशन समझ में आई तो अच्छी बात है, नहीं तो भी बहुत से एग्जाम्पल देखेंगे और उससे हम बिल्कुल क्लियर कर लेंगे। ठीक है, इसका एक और भी मतलब होता है बच्चों, इसी डेफिनेशन को एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज ध्यान से देखेंगे। देखो यहाँ पर जो रिलेशन है ना, जिस रिलेशन को हम फंक्शन बोल रहे हैं उसकी खासियत क्या है? खासियत ये है कि जो इसका डोमेन होगा, जैसे यहाँ पर ये ए सेट से बी सेट पे डिफाइन था, तो इसका जो डोमेन होता है वो सेट ए ही हो जाता है। अगर फंक्शन ए से रिलेशन ए सेट से बी सेट पे डिफाइन होगा, तो अगर वो फंक्शन होगा तो उसका डोमेन पूरा सेट ए ही हो जाएगा। और नो टू ordered pairs have the same first elements। कोई भी दो ordered pair के first element same नहीं हो सकते। अगर किसी ordered pair के दो ordered pair के first element same हो गए, उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब क्या हो जाएगा कि एक element की दो image बन रही होंगी, उसका relation दो element के साथ होगा। ठीक है, तो किसी भी दो ordered pair के first element same नहीं हो सकते। ठीक, तो देखते हैं बच्चों इसका एक example देखते हैं, है ना, कौन से रिलेशन हमारे फंक्शन होने वाले हैं। तो देखो हमने यहाँ पर दो सेट लिखे, सेट ए लिखा एक, 1 2 3 4 5। ठीक है, और एक सेट बी लिखा, 1 2 3 4 5 6। ठीक, हमने बच्चों ए से बी पर एक रिलेशन डिफाइन किया, ये सेट ए मान लो, इधर ये बी बना लो, 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। ठीक है, तो एरो डायग्राम की मदद से समझते हैं इसको। तो हमने यहाँ पे एक रिलेशन डिफाइन किया कि भैया 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है, 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 4 का रिलेशन 5 के साथ है। ठीक, इसी तरीके से एक और रिलेशन हमने यहाँ पे डिफाइन किया, सेट ए से सेट बी पर। ठीक, सेट ए क्या है? 1 2 3 4 5, और वी क्या है? 1 2 3 4 5 6। 1 का 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। ठीक, तो ये जो रिलेशन था बच्चों, इसको R1 मान लेते हैं, और ये रिलेशन क्या है? R2 है। इस रिलेशन को हम रोस्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर R1 को मैं रोस्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? 1, 1 ऑर्डर पेयर बना लेंगे। 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है तो 1, 2। 2 का रिलेशन 3 के साथ है, 2, 3। 3 का रिलेशन 4 के साथ है, 3, 4। और 4 का रिलेशन 5 के साथ है, 4, 5। ठीक है, इसी तरीके से R2 को लिख लेते हैं रोस्टर फॉर्म में। 1 का रिलेशन 1 के साथ है, 1, 1। 2 का 2 के साथ, 2, 2। ठीक है, 3 का 4 के साथ, 3, 4। 4 का 5 के साथ, 4, 5। और 5 का 6 के साथ, 5, 6। ठीक है, तो देखो हमने इन दोनों को
एरो डायग्राम भी बना लिया है इनका और इनको रोस्टर फॉर्म में लिख लिया। अब हम इसको एनालाइज करेंगे, कौन सा रिलेशन फंक्शन कहलाएगा, कौन सा रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो देखो फंक्शन की डेफिनेशन पर जाते हैं कि भैया जो इसका डोमेन है वो पूरा का पूरा सेट ए ही होगा। अभी ध्यान से देखो, डोमेन क्या होते हैं, डोमेन वह एलिमेंट होते हैं जिनका रिलेशन किसी ना किसी एलिमेंट के बी के किसी ना किसी एलिमेंट के साथ होगा। तो यहाँ पर देखो, ए सेट के पहला 1, 2, 3, 4 ये जो चारों एलिमेंट है ये किसी ना किसी एलिमेंट के साथ बिलोंग कर रहे हैं, तो ये डोमेन में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर डोमेन में 5 नहीं आएगा, मतलब अगर मैं इस रिलेशन का डोमेन लिखूँ तो वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4। आप देख सकते हो यहाँ पर जो डोमेन आया है वो ए सेट के इक्वल नहीं आया है, ठीक है, डोमेन ए सेट के इक्वल नहीं आया है, तो मतलब ये रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। तो एक डेफिनेशन से तो मैं पता चल गया रिलेशन फंक्शन नहीं हो सकता। मान लेते हैं बच्चों, अगर इसमें हमारे पास मान लो 5 का 6 के साथ भी रिलेशन दिया होता, ठीक है, 5 का रिलेशन मान लो 6 के साथ भी दिया होता, तो अब अगर हम देखें, अब इसका जो डोमेन बना वो क्या हो गया, 1, 2, 3, 4, 5 इक्वल टू सेट ए। तो अभी तो ये फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब दूसरी डेफिनेशन देखते हैं, नो टू ऑर्डर्ड पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर की क्या होने चाहिए, सेम फर्स्ट एलिमेंट नहीं होने चाहिए। तो अब देखो इसके जो ऑर्डर पेयर हैं, ये दो ऑर्डर पेयर देख सकते हो, दोनों का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 1 है, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ भी है, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है। अगर ए सेट के किसी एक एलिमेंट का रिलेशन किसी बी सेट के किसी दो एलिमेंट, मतलब एक एलिमेंट की अगर कोई दो अलग अलग इमेजेस हो हैं, तो उस केस में वो रिलेशन फंक्शन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, देखो यहाँ पे 1 से 2 एरो निकल रहे हैं, मतलब 1 का रिलेशन 1 के साथ भी, 1 का रिलेशन 2 के साथ भी है। तो किसी भी अगर एरो डायग्राम में किसी भी एलिमेंट से 2 एरो निकल रहे हैं, उसका मतलब क्या है, उसकी दो इमेज बन रही हैं, तो उस तरीके के रिलेशन को फंक्शन नहीं कह सकते, ठीक है। तो पहला रिलेशन R1 फंक्शन नहीं है। अब सेकेंड रिलेशन की बात करते हैं, रिलेशन क्या है, तो देखो 1 का रिलेशन 1 के साथ, 2 का 2 के साथ, 3 का 4 के साथ, 4 का 5 के साथ, 5 का 6 के साथ। अब देखो अगर मैं इसके डोमेन की बात करूँ, तो आप देख सकते हो ए सेट का हर एक एलिमेंट किसी ना किसी सेट से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो जो ए सेट के अगर मैं यहाँ पर डोमेन लिखता हूँ सेकेंड रिलेशन का, तो वो क्या बनेगा, 1, 2, 3, 4, 5 क्या आ गया, ए सेट के इक्वल आ गया। तो डोमेन ए सेट के इक्वल आ गया, मतलब अभी ये फंक्शन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब इसकी दूसरी डेफिनेशन देखो क्या, कि भैया नो टू ऑर्डर पेयर हैव द सेम फर्स्ट एलिमेंट। तो आप देख सकते हो कोई भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है, क्योंकि हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेजेस है, किसी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन रही। अभी बस में किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं बन सकती, क्लियर है यहाँ तक। चलिए तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने भी ऑर्डर पेयर आए हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। तो यहाँ पर बच्चों जो रिलेशन R2 है, R2 रिलेशन क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। फंक्शन को जनरली हम F से डिनोट करते हैं, और अगर किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक से अधिक फंक्शन है तो FGH कोई भी सिंबल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो स्मॉल f जनरली यूज़ करते हैं, और इसको लिखते किस तरीके से फंक्शन को, अगर फंक्शन जैसे यहाँ पर फंक्शन A से B पर डिफाइंड है, तो लिखेंगे फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम A टू B, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, फंक्शन डिफाइंड एज फ्रॉम A टू B। आई बात सुन में, अगर कोई फंक्शन कह रहे हैं मतलब जो डोमेन होगा वो तो पूरा का पूरा ए सेट ही हो जाएगा, बी रेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हमें पता है बी टोटल बी क्या हो कहलाता है, कोडोमेन कहलाता है। यहाँ पर आप देख सकते हो बी का जैसे थ्री एलिमेंट जो थ्री है वो उसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, याद रखेंगे। अगर जैसे यहाँ पर वन का रिलेशन वन के साथ है, तो वन का जिसके साथ रिलेशन है ये तो क्या कहलाता है, इमेज कहलाता है ना, वन की इमेज क्या है, वन है। और जो पहला वाला एलिमेंट ये कहलाता है बच्चों प्री इमेज। जैसे यहाँ पर 4 की इमेज 5 है, 5 की प्री इमेज 4 है, क्लियर है यहाँ तक। तो पूरा का पूरा बी सेट कोडोमेन होता है, और जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो 3 है वो किसी का भी किसी की इमेज नहीं है, तो जो रेंज हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कोडोमेन पूरा नहीं होगा, उसका कोई सबसेट होगा। रेंज अगर मैं लिखूँ इस केस में, देखो कोडोमेन तो क्या बन जाएगा, पूरा बी सेट बन जाएगा, लेकिन अगर मैं रेंज लिखूँ इस वाले केस में तो वो क्या बनेंगे, 1, 2, 4, 5, 6। आप समझ गए होंगे, मतलब पूरा बी सेट रेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो फंक्शन है तो पूरा का पूरा ए सेट क्या बनेगा, डोमेन बनेगा, और किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होंगी। बस इतनी डेफिनेशन आपको याद रखनी है, ठीक है, नोट करिए इसको बच्चों, आगे बढ़ते हैं। यस,
ठीक है। तो बच्चों डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं फंक्शन की, आगे एनसीईआरटी कुछ एग्जांपल देखते हैं ताकि आपको फंक्शन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, पहले देखते हैं बच्चों एग्जांपल नंबर 10। एग्जांपल नंबर 10 क्या है? एग्जांपल 10, लेट एन बी इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड द रिलेशन आर बी डिफाइंड ऑन एन। ठीक है, तो बच्चों रिलेशन एन पर डिफाइंड है, मतलब रिलेशन डिफाइंड फ्रॉम एन टू एन। ठीक है, ऑन एन का मतलब क्या हो गया? फ्रॉम एन टू एन, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर रिलेशन डिफाइंड है। ठीक है, और रिलेशन किस तरीके से डिफाइंड है? आर इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट वाई इक्वल टू टू एक्स, एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये हमारे पास रिलेशन डिफाइंड है। हमको बताना है व्हाट इज द डोमेन कोडोमेन एंड रेंज ऑफ आर, इज दिस रिलेशन ए फंक्शन। तो हमें बताना है इस रिलेशन का डोमेन कोडोमेन और इसकी रेंज क्या होगी, क्या ये रिलेशन कोई फंक्शन कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। ठीक है, ध्यान से देखेंगे। तो बात करते हैं बच्चों पहले तो कोडोमेन की। तो हमें पता है अगर कोई रिलेशन एन से एन पर डिफाइन है तो जिस पर रिलेशन डिफाइन होता है वही क्या बन जाता है? सेट, वही सेट हमारा कोडोमेन बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कोडोमेन क्या हो जाएगा, ये नेचुरल नंबर का सेट हो जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों डोमेन। ठीक है, तो डोमेन आप इसकी डेफिनेशन से निकालेंगे। कंडीशन क्या दे रखी है? जो वाई है, वाई क्या है? ऑर्डर पेयर का सेकेंड एलिमेंट, वाई इक्वल टू टू इन टू एक्स। ठीक है, कि भैया एक्स की मल्टीप्लाई टू से करने पर वाई आता है और एक्स कोमा वाई क्या है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो एक्स की जगह पर आप कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो, आपको वाई की कोई ना कोई वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, जैसे मैंने एक्स की जगह पर क्या पुट किया, एक्स की जगह पर वन पुट किया तो वाई कितना मिल गया? टू वन जा टू मिल गया, तो ऑर्डर पेयर क्या बना? वन कोमा टू बन गया। इसी तरीके से जब मैंने एक्स की जगह पर क्या पुट किया, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकता हूँ, टू रखा तो वाई की वैल्यू क्या मिल गई? टू इंटू टू फोर मिल गई, तो ऑर्डर पेयर क्या बना? टू और फोर। इसी तरीके से जब आप एक्स की जगह पर थ्री पुट करेंगे तो वाई इक्वल टू थ्री इंटू टू सिक्स मिल जाएगा, ऑर्डर पेयर क्या बना? थ्री कोमा सिक्स। आप समझ गए होंगे क्या पैटर्न ये फॉलो कर रहा है, वन टू, टू टू जा फोर, थ्री टू जा सिक्स, इसी तरीके से फोर टू जा एट और क्या बनेंगे? फाइव टू जा टेन, इसी तरीके से और बहुत से ऑर्डर पेयर है ना इस रिलेशन में आ जाएंगे, इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर आ जाएंगे। तो आप यहाँ पर एक बात देख सकते हैं, जो यहाँ पर बच्चों डोमेन है, एक्स की जगह पर मैं कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकता हूँ, जो मुझे इमेज मिलेगी वो भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर ही मिलेगी। जैसे अगर आपने यहाँ पर 10 रखा एक्स की जगह पर, 10 रखा तो 10 दूनी कितना, वाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी? 20, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा? 10 कोमा 20। तो किसी भी नेचुरल नंबर की मुझे पता है मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो आने वाला नंबर है वो भी क्या है? कोई नेचुरल नंबर है। मतलब एक्स की जगह पर कोई भी नेचुरल नंबर रखा जा सकता है, आपको एक प्रॉपर इमेज मिल जाएगी, एक नेचुरल इमेज मिल जाएगी। तो यहाँ पर जो डोमेन होने वाला है, जो डोमेन होने वाला है वो भी क्या पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट होने वाला है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पर बच्चों हम रेंज की, रेंज क्या होने वाली है। तो रेंज क्या होती है? जो वाई की वैल्यू होने वाली है ना भैया, ऑर्डर पेयर के सेकेंड एलिमेंट का सेट ही तो रेंज कहलाती है। तो वाई की देखो वैल्यू क्या होने वाली है, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, आप एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करो, जैसे आपने क्या पुट कर सकते हो, कोई भी नेचुरल नंबर पुट कर सकते हो। हमेशा आपको जब भी आप उसकी मल्टीप्लाई दो से करोगे, देखो एक्स की जगह पर वन रखा, दो से मल्टीप्लाई करने पर टू आ गया, टू रखा तो फोर आ गया, थ्री रखा तो सिक्स आ गया। मुझे पता है भैया मैं किसी भी नेचुरल नंबर की अगर दो से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है? इवन नेचुरल नंबर आता है। ठीक है, तो आप देखो जो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट है वो क्या है? टू फोर सिक्स एट टेन एंड सो ऑन, ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन, इस तरीके का सेट बनेगा। ठीक है, तो अगर मैं रेंज को लिखूँ तो रेंज क्या बनेगी बच्चों? इवन नेचुरल नंबर का सेट, टू फोर सिक्स एट सो ऑन। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो? रेंज इक्वल टू सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ठीक है, तो हमने रेंज बता दिया, कोडोमेन बता दिया और डोमेन बता दिया। अब हमसे पूछा गया क्या ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है, तो फंक्शन के लिए कंडीशन याद करिए क्या था, कि अगर कोई रिलेशन एक सेट से दूसरे सेट पर डिफाइन हो तो जो जिस सेट से डिफाइन होगा अगर वो पूरा का पूरा सेट ही क्या बन जाए? डोमेन बन जाए, तो ये फंक्शन की पहली कंडीशन थी। तो यहाँ पर देखो डोमेन क्या है? नेचुरल नंबर का सेट ही है। दूसरा, कोई दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं होनी चाहिए। तो मुझे पता है एक्स की जगह ओ किसी है ना किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो अगर आप एक्स की जगह कोई भी नेचुरल नंबर रखोगे उसकी मल्टीप्लाई दो से करोगे तो आपको एक ही तो नंबर मिलेगा,
मतलब जैसा आपने वन रखा तो वन इंटू टू क्या मिला, टू मिला, तो एक और एक की इमेज क्या आई, दो आ गई। इसी तरीके से दो रखोगे दो दूनी चार मिलेगा, दो की इमेज चार आ गई, तीन की इमेज छः आ गई। तो हर एक नंबर की एक यूनिक इमेज है ना, किसी एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं है। तो ये जो रिलेशन है ये क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, दिस क्या लिखेंगे, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव यूनिक, या इसको लिखेंगे सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन कोडोमेन, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ठीक है, कि भैया डोमेन के हर एक एलिमेंट की सिंगल इमेज बन रही है तो दिस रिलेशन फंक्शन होगा। और पहली बात तो हम कंडीशन लिख ही चुके हैं, पहली कंडीशन क्या है कि फंक्शन क्योंकि नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइंड था तो डोमेन पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट होना चाहिए। तो पूरा का पूरा नेचुरल नंबर का सेट क्या है, डोमेन है। तो ये क्या हो गया बच्चों, रिलेशन एक फंक्शन हो गया। ठीक है, और आगे एग्जांपल देखते हैं और क्लियर हो जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करते जाएंगे फंक्शन रिलेशन फंक्शन में उतने ही अच्छे बनते चले जाएंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, एग्जांपल नंबर 11 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 11 क्या है, एग्जामिन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन गिवन बिलो स्टेट इन ईच केस गिव रीजन वेदर इट इज ए फंक्शन और नॉट। ठीक है, तो तीन पार्ट हमें दे रखे हैं, हमें बताना है क्या ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अगर मैं पहले पार्ट की बात करूं, ठीक है, तो लिख लेते हैं इस रिलेशन को, है ना, रोस्टर फॉर्म दे रखी है 2, 1, 3, 1, ये ऑर्डर पेयर दे रखे हैं इसके 4, 2। तो यहाँ पर ये तो हमें कंडीशन दी हुई नहीं है कि जो रिलेशन है किस सेट से किस सेट पर डिफाइंड है, तो पहली कंडीशन को तो छोड़ो। सेकंड कंडीशन हम चेक कर सकते हैं यहाँ पर क्या, कि भैया किसी भी दो ऑर्डर पेयर के फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होने चाहिए। तो देखो, पहले ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। ठीक है, सारे अलग अलग हैं, तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा, एक फंक्शन बन जाएगा, दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। ठीक, अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करूं बच्चों, तो सेकंड पार्ट हमें दिया हुआ है, एक रिलेशन डिफाइन है 2, 2, 2, 4, 3, 4। यहाँ पर आप देख सकते हो शुरू के जो दो ऑर्डर पे हैं ये इनका जो फर्स्ट एलिमेंट है सेम है, मतलब 2 की इमेज 2 भी है, 2 की इमेज 4 भी है, तो दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। लिख लेंगे इसको इस तरीके से, ना आप खुद लिख लेना इसको, दिस रिलेशन इज नॉट ए फंक्शन। अगर मैं इसके थर्ड पार्ट की बात करूं बच्चों, तो थर्ड पार्ट हमें दिया हुआ है, रिलेशन डिफाइन है 1, 2 पहला ऑर्डर पेयर, फिर 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। ठीक है, इस तरीके से रिलेशन डिफाइन है। ठीक, अब देखो यहाँ पर भी देखो, फर्स्ट एलिमेंट चेक कर लो, इसका 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, तो नो टू ऑर्डर पेयर हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट, सो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। तो पहला और तीसरा जो रिलेशन है ये फंक्शन है, दूसरा रिलेशन फंक्शन नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसके बाद बच्चों, चलो इसको पहले नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं फिर। यस, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बच्चों, रियल वैल्यूड फंक्शन एंड रियल फंक्शन। ठीक है, डेफिनेशन लिखते हैं इनकी, रियल वैल्यूड फंक्शन लिखेंगे, ए फंक्शन विच हैज आर मतलब रियल नंबर एंड वन ऑफ इट्स सबसेट, विच हैज आर और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड रियल वैल्यूड फंक्शन। कि कोई भी फंक्शन अगर उसकी रेंज या तो रियल नंबर हो या रियल नंबर का कोई सबसेट हो तो उस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों रियल फंक्शन की। तो रियल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन या इसको इस तरीके से लिखो,
ए रियल वैल्यूड फंक्शन, ए रियल वैल्यूड फंक्शन हैविंग, ए रियल वैल्यूड फंक्शन हैविंग आर और इट्स सबसेट एज इट्स रेंज, एज इट्स रेंज कॉल्ड रियल फंक्शन, रियल फंक्शन। ठीक है, तो देखो रियल वैल्यूड फंक्शन क्या थे कि ऐसे फंक्शन जिनकी जो रेंज होगी वो या तो कोई रियल नंबर हो सकती है या उसका कोई रियल नंबर का कोई सबसेट हो सकती है। और रियल फंक्शन क्या होते हैं कि अगर किसी फंक्शन का वो रियल वैल्यूड तो है, मतलब उसकी रेंज तो रियल नंबर या उसका सबसेट है, अगर उसका डोमेन भी कोई रियल नंबर का सेट बने या उसका सबसेट बने, मतलब रेंज और डोमेन दोनों ही रियल नंबर या उसके अगर सबसेट हैं, तो उस केस में उस फंक्शन को क्या बोलेंगे, रियल फंक्शन। ठीक है, अभी देखो रियल नंबर से अलग आपने नंबर नहीं पढ़े हैं, लेकिन 11th क्लास में आगे चल के हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, उसमें हम इमेजिनरी नंबर भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जो वास्तव में नहीं होते हैं, जिनको हम इमेजिन करते हैं, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, तो दो तरीके के नंबर हम पढ़ेंगे, रियल नंबर इमेजिनरी नंबर, तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, अभी के लिए छोड़िए। ठीक है, तो बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन क्या होते हैं कि इन फंक्शंस की जो रेंज होती है वो कोई ना कोई रियल नंबर का, या तो वो रियल नंबर का सेट हो सकती है, उसका कोई सबसेट हो सकती है। इसी तरीके से रियल फंक्शन क्या हो सकते हैं कि वो फंक्शन जो रियल वैल्यूड तो है, मतलब जो उसकी रेंज है वो तो रियल नंबर का सेट या उसका सबसेट है, साथ ही साथ उसका जो डोमेन है वो भी कोई रियल नंबर का सेट या उसका सबसेट है, तो उस केस में उसको क्या बोलेंगे, हम रियल फंक्शन बोलेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों एनसीईआरटी का एक एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 12। क्या है एग्जांपल नंबर 12? लेट एन बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एन क्या है, कोई नेचुरल नंबर का सेट है, डिफाइन ए रियल वैल्यूड, रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, तो एक फंक्शन डिफाइन है रियल वैल्यूड फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, सच दैट, कंडीशन क्या दे रखी है, देखो फंक्शन डिफाइन है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2x+1। तो देखो जनरली फंक्शन में हम y की जगह पर क्या लिखते हैं बच्चों, एफ एक्स लिखते हैं। ठीक है, y की जगह पर क्या लिखते हैं, एफ एक्स लिखते हैं। तो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट x की वैल्यू होगी और जो सेकेंड एंड एलिमेंट होगा वो एफ एक्स की वैल्यू होगी या y की वैल्यू हो सकती है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन, यूजिंग दिस डेफिनेशन, ये डेफिनेशन है फंक्शन की, देखो यहाँ तक डेफिनेशन खत्म हो जाती है, फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर डिफाइन है और जो ऑर्डर पेयर बनेगा उसका फर्स्ट एलिमेंट क्या होगा, x होगा और सेकंड एलिमेंट fx होगा और fx x में इस तरीके कोई रिलेशन दे रखा है कि भैया fx क्या है, इक्वल टू 2x+1, x की जगह पर हम कोई भी नेचुरल नंबर लिख सकते हैं। ठीक, एक टेबल दी हुई है इस फंक्शन के बेसिस पर, एक टेबल दी हुई है, ठीक है, बना लेता हूँ इसको मैं, ऊपर x लिखा है नीचे y, y का मतलब क्या होता है बच्चों, fx ही होता है, y का मतलब fx ही होता है, x की जगह पर लिखा है 1, 2, 3, 4, 5, है ना, 7 तक है, मैं इसको 6 तक ही लिख रहा हूँ, 6। ठीक है, और यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो हमें क्या लिखना है, या करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिखने ऑर्डर पेयर के, कि जब x की वैल्यू 1 थी तो fx कितना था, तो हम क्या करेंगे बच्चों, x की जगह पर क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे, when x इक्वल टू 1 fx, f फंक्शन देखो कैसे डिफाइन है, हमारा जो फंक्शन डिफाइन है fx क्या है वो 2x+1, ये फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, y इक्वल टू 2x+1 लिख सकते हो, fx इक्वल टू 2x+1 लिख सकते हो। तो जब x की वैल्यू 1 थी तो फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, तो x की जगह पर क्या पुट कर लो, 1 पुट कर लो, 2 × 1+1, 2 × 1 और 3। ठीक है, तो ऑर्डर पेयर क्या आया यहाँ पे, ऑर्डर पेयर आया 1 के साथ 3। इसी तरीके से तो देखो यहाँ पर हमें y की वैल्यू क्या मिल गई, 3 मिल गई, जब x की वैल्यू हम 2 रखेंगे, when x इक्वल टू 2, तो फंक्शन की वैल्यू 2 पे कितनी हो जाएगी, x की जगह पर 2 रख लो, 2 × 2+1, 2 × 2 = 4+1 = 5, तो ऑर्डर पेयर क्या बना, 2 के साथ 5 बना। ठीक है, तो जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से when x इक्वल टू 3, फंक्शन की वैल्यू 3 पर कितनी होगी, x की जगह पर 3 रख लो, 3 × 6, 2 × 3+1, 3 × 6+1 = 7, तो ऑर्डर पेयर क्या बनेगा, 3, 7। मेरे ख्याल से आपको आ रहा होगा समझ में ये। ठीक है, और एग्जांपल आगे करेंगे, क्लियर हो जाएगा फंक्शन। x की वैल्यू जब 4 रखेंगे तो फंक्शन की वैल्यू 2 × 4+1 9 हो जाएगा,
ऑर्डर पेयर क्या बना, 4 के साथ पेयर बना 9 का, 4 की इमेज 9 आ गई। ठीक है, तो लिखेंगे इसमें 3 की इमेज 7 आ जाएगी 4 की, आगे है ना, आगे इसी तरीके से कैलकुलेट करके मैं सीधा सीधा लिख रहा हूँ। 5 रखेंगे, देखो अब सीधा सीधा करेंगे इसको, 5 रखेंगे, 5 टू जा 10 प्लस 1 11 आ जाएगा, 6 रखेंगे, 6 टू जा 12 प्लस 1 13 आ जाएगा, इसी तरीके से जो 7 दे रखा था आपको क्वेश्चन में, 7 रखेंगे, 7 टू जा 14 प्लस 1 15 आ जाएगा, इसी तरीके से इसको आगे कैलकुलेट कर देंगे। आगे देखते हैं बच्चों, सम स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन। ठीक है, कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शन देखते हैं जो हमें जो हम जनरली यूज करते हैं। ठीक है, सम स्पेशल टाइप्स ऑफ फंक्शन, इसमें बच्चों पहला फंक्शन आता है हमारा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, लिखते हैं डेफिनेशन इसकी। ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट, कंडीशन क्या है, सच दैट एफ एक्स इक्वल टू एक्स, एफ एक्स क्या होता है, वाई ही होता है। ठीक है, तो एक फंक्शन जो रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन हो, और एक्स और वाई की वैल्यू क्या होती है इसमें बच्चों, सेम होती है, जो एक्स की वैल्यू होगी वही क्या हो जाएगी, देखो फंक्शन डिफाइन कैसे, एफ एक्स इक्वल टू एक्स मतलब वाई इक्वल टू एक्स, एक्स और वाई की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, तो इस तरीके का फंक्शन, ये फंक्शन क्या है बच्चों, एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूँ, ग्राफ प्लॉट करूँ, ध्यान से देखेंगे ग्राफ में बच्चों, एक्स एक्सिस पर हम एक्स मान लेते हैं और वाई एक्सिस पर एफ एक्स मान लेते हैं, एफ एक्स लिख लो या वाई लिख लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड है, तो एक्स एक्सिस पर सारे ये नंबर लाइन बन जाएगी, 1 2 3 4, इधर -1 -2 -3 -4। फंक्शन के ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत प्रैक्टिस करिए ग्राफ बनाने की हर क्वेश्चन में लगभग। ठीक है, -1 -2 -3, ये +1 +2 +3। ठीक, अब ध्यान से देखो कुछ एलिमेंट देख लेते हैं किस तरीके ग्राफ आने वाला है। तो फंक्शन है क्या, वाई इक्वल टू एक्स, फंक्शन है क्या, वाई इक्वल टू एक्स, अगर एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो वाई की वैल्यू एक्स की जगह पर क्या पुट करो, 1 पुट करो तो 1 आ जाएगी, 1, 1। इसी तरीके से एक्स की जगह पर 2 रखेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एक्स की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो एफ एक्स कितना आ जाएगा, एफ 2 इक्वल टू 2 ही आ जाएगा। एक्स की जगह पर 3 रखेंगे तो एफ 3 इक्वल टू किसके बराबर, एक्स के बराबर ही है तो 3 ही आ जाएगा। आई बात समझ में, तो देखो यहाँ पर पॉइंट क्या मिलेंगे ग्राफ में, 1 1, ये पॉइंट मिल गया मुझे 1, 1। ठीक है, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, 2 2, है ना, इधर भी 3, इधर भी 3 3, 4 4, इसी तरीके से -1 -1, 0.5 0.5। ठीक है, आप जब इस पूरे हर एक पॉइंट को ग्राफ पर प्लॉट करोगे तो आपके पास एक सीधी लाइन इस तरीके से आ जाएगी, जो 45 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रही होगी, x एक्सिस से भी और y एक्सिस से भी। ठीक है, तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या होते हैं, कि जो फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइंड हो, और सच दैट वाई इक्वल टू एक्स, जो एक्स की मतलब ऑर्डर पेयर के दोनों एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, और वो कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। अगर पहला एलिमेंट 1.2 है तो दूसरा एलिमेंट भी 1.2 है, पहला एलिमेंट 2.05 है दूसरा एलिमेंट भी 2.05 है। आई ना बस उनमें, और इसका जो ग्राफ होता है वो एक्स वाई एक्सिस से बीच से 45 डिग्री के एंगल पे एक स्ट्रेट लाइन, ये इसका ग्राफ हो गया। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, देखते हैं बच्चों सेकंड टाइप ऑफ फंक्शन, दैट इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, हेडिंग डालेंगे सेकंड, कांस्टेंट फंक्शन। डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू सी। ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू सी का क्या मतलब है बच्चों, सी कोई भी एक फिक्स नंबर हो सकता है। जैसे इसका अगर मैं एग्जांपल लिखूं, एफ एक्स इक्वल टू 2 लिख सकता हूं, एफ है ना, एक एग्जांपल तो ये हो गया, और एग्जांपल क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। ये सारे के सारे फंक्शन क्या कहलाते हैं, कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाते हैं। आप देख सकते हो, जैसे मैंने ये फंक्शन लिखा एफ एक्स इक्वल टू 2, है ना, इसी का हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। मैंने कॉन्स्टेंट फंक्शन का एक एग्जाम्पल लिखा है एफ एक्स इक्वल टू 2, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू 2। अब देखो x की वैल्यू आप कुछ भी लिख लो, कुछ भी रख लो, y की वैल्यू, y क्या होगा, fx की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, वो 2 ही आने वाली है। तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, एक कॉन्स्टेंट फंक्शन कहलाएगा। अगर मैं x की जगह पर 1 रखता हूँ ना, कोई भी रियल नंबर रख सकता हूँ, इफ x इक्वल टू 1, यदि x की वैल्यू 1 है तो f
फंक्शन में वन रखेंगे इक्वल टू क्या मिला, ये तो टू है, एक फिक्स वैल्यू है एफ एक्स की टू, ये टू ही रहेगा। इसी तरीके से अगर एक्स की वैल्यू मैं टू रखता हूँ तब भी एफ टू, एक्स की जगह पर टू रखेंगे तो ये क्या है इक्वल टू टू है, ये तो फिक्स है तो भी टू ही आएगा। फंक्शन की जगह पर थ्री रखोगे एक्स की जगह पर तो भी टू आएगा। मतलब सारे के सारे जो हमारे जितने भी एलिमेंट होंगे क्या होंगे सारे के, यहाँ डोमेन क्या बनने वाला है, डोमेन तो रियल नंबर का सेट बनने वाला है, कि हर एक रियल नंबर की जो इमेज बनने वाली है, हर एक एलिमेंट की इमेज वो टू ही बनने वाली है। आई बात समझ में? तो ये फंक्शन एक कॉन्स्टेंट फंक्शन है। इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूँ, ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करूँ तो ये एक्स हो गया हमारा, ये क्या हो गया वाई हो गया। एक्स की वैल्यू पुट कर लो 1, 2, 3, 4 आगे सोन है ना, -1, -2, -3, -4 नीचे -1, -2, -3 ये y हो गया, इसको एफ एक्स लिख सकते हो आप, ये 1, 2, 3 ठीक। कि जब भैया x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू कितनी थी, 2 ही थी। x की वैल्यू 1 थी, y की वैल्यू 2 ही थी। x की वैल्यू 2 है तब भी y की वैल्यू 1 है, अभी कर रहा हूँ सर। x की वैल्यू 3 है तब भी y की वैल्यू 2 ही है, x की वैल्यू 4 है तब भी y की वैल्यू 2 ही है। x की हम यहाँ पर बच्चों कुछ भी वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू क्या रहने वाली है हमेशा, fx हमेशा एक फिक्स नंबर है, 2 ही रहने वाला है। तो ये फंक्शन क्या बनेगा, कॉन्स्टेंट फंक्शन। इसका ग्राफ क्या होगा कि x की वैल्यू -1 तब भी y की वैल्यू 2 है ना। देखो x में -1, y में कितना 2, x में -2, y में कितना 2, यहाँ मिलेगा ना पॉइंट कौन सा, -2, 2। ये इस पॉइंट का नाम क्या हो गया, जैसे 1, -2 जो ऑर्डर पेयर है सबका, जो सॉरी सबका जो सेकंड एलिमेंट है वो हमेशा क्या रहने वाला है, 2 ही रहने वाला है। तो आप देख सकते हो सारे रियल नंबर की जो इमेज बनेगी वो 2 पे बनेगी, तो सब ये इस तरीके से पॉइंट आ जाएंगे। तो इसका जो ग्राफिक स्ट्रेट लाइन से आ जाएगा, ठीक है, कि एक्स की कुछ भी वैल्यू रखी वाई की वैल्यू हमेशा 2 आई है ना। तो जैसे यहाँ पर 3 पर 2, एक्स में 3 वाई में 2, तो ये पॉइंट आ गया। तो जब आप ये सब पॉइंट ड्रॉ कर लोगे तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी एक्स एक्सिस के पैरेलल, ठीक है। अगर मैं फंक्शन डिफाइन करता एफ एक्स इक्वल टू 4 तो ये 4 पर आ जाती इस तरीके से पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के। आई बात समझ में? तो ये कॉन्स्टेंट फंक्शन था। इसी तरीके से एक तीसरा फंक्शन होता है पॉलीनोमियल फंक्शन। और देखो पॉलीनोमियल फंक्शन बहुत ज़्यादा यूज होता है, आप पहले भी क्लासेस में पॉलीनोमियल फंक्शन पढ़ते आए हो लेकिन आपने फंक्शन टॉपिक अलग से नहीं पढ़ा था, इसलिए आप शायद ना ध्यान रहा हो, ठीक है। पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन, पॉलीनोमियल फंक्शन किस तरीके का फंक्शन होता है, ठीक है। तो देखो जनरल फॉर्म जो होती है बच्चों पॉलीनोमियल फंक्शन की, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट फंक्शन डिफाइन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू ए नोट है। देखो मैं जनरल फॉर्म लिख रहा हूँ, इसके कुछ एग्जाम्पल लिखूँ आपको समझ में आ जाएंगे पॉलीनोमियल फंक्शन आपने कहाँ पढ़े हैं 10th क्लास में। एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यूब प्लस ए फोर एक्स की पावर 4, ए वन एक्स सही है, ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब ए फोर एक्स की पावर 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से x की पावर n तक है ना, कितने तक भी चलती जाएगी an। यहाँ पर जो बच्चों x की पावर्स होती हैं वो हमेशा कोई ना कोई क्या होती हैं, पॉजिटिव इंटीजर होती हैं, याद रखेंगे हमेशा क्या होती है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। तो यहाँ कंडीशन लिखेंगे हम जो ये है कॉन्स्टेंट ए जीरो ए वन ए टू, ये जितने भी कॉन्स्टेंट हैं इनकी जगह पर ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। और जो एक्स की पावर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, जो एक्स की पावर हैं 1, 2, 3, 4 क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब क्या, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। तो जो n है ये n कितना भी चलता जा रहा है, n में भी एनी नेचुरल नंबर, ये होती है पॉलीनोमियल फंक्शन की जनरल डेफिनेशन। अब कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर बच्चों मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया एफ एक्स इक्वल टू ए जीरो की जगह पर क्या रख लिया 1 रख लिया, 1 प्लस ए वन की जगह पर 2 रख लिया और x रख लिया, बाकी जितने भी कॉन्स्टेंट ए टू ए थ्री ए फोर ये सारे के सारे 0 हो गए, तो यही मेरा फंक्शन आ गया। तो देखो आपने 10th क्लास में इस तरीके के फंक्शन पढ़े हैं जहाँ पर एफ एक्स की जगह क्या लिखा होता है, y लिखा होता है, आपने ऐसी इक्वेशन पढ़ी होगी ना, एफ एक्स की जगह पर क्या लिखा होता था, y लिखा होता है कि भैया वाई इक्वल टू 2x+1, याद आया कुछ, इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पॉलीनोमियल इन टू वेरिएबल, एक्स और वाई यहाँ दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल में रिलेशन आ गया, ठीक है। तो ये क्या एक तरीके का पॉलीनोमियल फंक्शन है। इसी तरीके से मैं लिख सकता हूँ एफ एक्स इक्वल टू
टू प्लस थ्री एक्स क्यूब, ठीक है, यहाँ पर क्या हो गया, एक्स क्यूब के साथ जो कांस्टेंट था a3 उसकी जगह पर 3 आ गया, है ना, a0 की जगह पर 2 आ गया, बाकी a1 a2 a4 बाकी सब क्या हो गए, 0 हो गए। इसी तरीके से अगर मैं a1 a2 a3 सबको 0 रखूँ, a1 की जगह पर 3 रखूँ, मतलब मैंने एक फंक्शन डिफाइन किया fx इक्वल टू, मैंने इसकी जगह पर क्या रख दिया, 3 रख दिया, बाकी सबको 0, तो ये क्या बन गया, ये एक कांस्टेंट फंक्शन हो गया, कांस्टेंट पॉलीनोमियल फंक्शन भी इसको बोल सकते हो, है ना, इसको हमने पहले पढ़ा था पॉलीनोमियल फंक्शन से पहले, कांस्टेंट फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 3 की, एक्स की जगह पर कुछ भी रखो फंक्शन हमेशा 3 रहेगा, जबकि यहाँ पर फंक्शन एक्स पर डिपेंड कर रहा है, अगर एक्स की वैल्यू 2 हो जाएगी तो वाई की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2 टू जा 4 प्लस 1 5 हो जाएगी, यानी इसको हम इसका ग्राफ अभी कुछ देर पहले हमने एक एग्जांपल में बनाया था 2x प्लस 1 का, ठीक है। चलिए इसको नोट करिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं जो हमारी एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। फंक्शन बहुत ईजी टॉपिक है, डीपली स्टडी करिए, फंक्शन जैसे टॉपिक्स बच्चों थ्योरी से कम समझ में आते हैं, जब हम इनकी प्रैक्टिस करते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं, तब ये ज़्यादा हमारे पल्ले पड़ते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूज मत होना, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। यस, आगे देखते हैं बच्चों एग्जाम्पल एनसीईआरटी का जो पॉलीनोमियल फंक्शन पर बेस्ड है, ठीक है, देखते पहले एग्जाम्पल नंबर 13, एग्जाम्पल 13 क्या एग्जाम्पल है, डिफाइन ए फंक्शन एफ, एक फंक्शन दिया हुआ है रियल नंबर से रियल नंबर पर, सच दैट एफ एक्स क्या दिया है, एफ एक्स क्या होता है बच्चों, वाई, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, वेयर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ एफ, ठीक, तो पहले एक टेबल दी हुई है, ठीक है, ये x हो जाएगा नीचे एफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के, ठीक है, हमें टेबल पूरी करनी है, यहाँ दे रखा है माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री फोर, ठीक है। अब देखो फंक्शन में माइनस फोर रखेंगे x की जगह पर, तो एफ एक्स कितना हो जाएगा, माइनस फोर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, भैया माइनस फोर का क्या करो, स्क्वायर करो, प्लस 16 तो 16 हो जाएगा, तीन पे तीन तिया नौ, दो रखेंगे माइनस दो, प्लस का चार आ जाएगा, माइनस वन रखेंगे वन आ जाएगा, जीरो का स्क्वायर वन, टू टू जा फोर, थ्री थ्री जा नाइन, फोर फोर जा 16, ठीक है। तो इस तरीके से ये टेबल पूरी हो गई। अब बात करते हैं बच्चों इस फंक्शन की, क्या बतानी है हमको, व्हाट इज़ द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो जो रेंज है वो कितनी होने वाली है, ठीक, ध्यान से देखो, ये जो फंक्शन है क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अब फंक्शन रियल नंबर से रियल नंबर पे डिफाइन है, तो क्वेश्चन में पहले ही कह दिया इन्होंने, ठीक है, तो सारे के सारे रियल नंबर क्या हो जाएंगे, भाई रियल नंबर के सारे एलिमेंट क्या बन जाएंगे, डोमेन बन जाएंगे, फंक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ी ना, अगर फंक्शन ए से बी पर डिफाइन है, ए के सभी एलिमेंट क्या कहलाते हैं, वो जो ए सेट होता है वही डोमेन बन जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे के सारे रियल नंबर हैं, रियल नंबर का जो सेट है वही क्या बन जाएगा बच्चों, डोमेन बन जाएगा। बात करते हैं रेंज की, ठीक, आप देखो x की जगह पर आप कोई भी रियल नंबर रखो, मान लो अगर आपने x की जगह पर वैन x इज ए, क्या होगा, कोई भी x की जगह पर कोई हमने पॉजिटिव रियल नंबर रखा, ठीक है, तो जो एफ एक्स है एफ एक्स की वैल्यू भी क्या आने वाली है, आप देखो x की जगह पर आपने 1 रखा 2 रखा 3 रखा या कोई डेसिमल में नंबर रख लिया 1.2 1.3 1.4, जब भी आप उसका स्क्वायर करोगे तो कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा, मतलब जब आप x की जगह पर पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर ही मिलेगा। x की जगह पर जब आप क्या रखोगे बच्चों, जीरो रखोगे, x की जगह पर जीरो रखोगे तो जीरो का स्क्वायर भी क्या होगा, जीरो मिल जाएगा आपको। अगर आप x की जगह पर निगेटिव रियल नंबर्स रखोगे, निगेटिव रियल नंबर्स रखोगे, ठीक है, निगेटिव रियल नंबर रखोगे, मान लो आपने माइनस वन रखा माइनस टू रखा है, डेसिमल में कोई नंबर रखा, तो निगेटिव रियल नंबर रखने पर उसका स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तब भी पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। तो आपने देखा बच्चों डोमेन चाहे पॉजिटिव रियल नंबर हो चाहे निगेटिव रियल नंबर हो चाहे जीरो हो, जो हमारी रेंज बनेगी वो या तो पॉजिटिव रियल नंबर्स मिलने वाले हैं या जीरो मिलने वाला है, है ना, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता। आई बात समझ में, मतलब जो रेंज है इस केस में वो कभी निगेटिव नहीं हो सकती, रेंज कभी निगेटिव नहीं हो सकती। अगर x कोई रियल नंबर है तो हमारे पास कंडीशन क्या आती है, x स्क्वायर ऑलवेज इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये आप हमेशा कंडीशन याद रखेंगे, बहुत क्वेश्चनों में कंडीशन हम यूज़ करते हैं,
अगर कंडीशन आपको दी हुई है क्वेश्चन में कि x में भी रियल नंबर, देन x स्क्वायर ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। x स्क्वायर क्या है? रेंज। तो रेंज क्या है? जीरो या जीरो से बड़ा कोई भी रियल नंबर। ठीक है, तो रेंज का, रेंज लिखेंगे यहाँ पर, रेंज का सेट बनाएंगे। रेंज क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, लिखेंगे y। रेंज क्या हो? कोई भी y हो सकता है, सच दैट y ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ठीक है, एंड y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो मैंने एक जनरल डेफिनेशन लिख दी है, y की जगह x भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रेंज का सेट है, इसका मतलब क्या हो गया कि रेंज हमेशा कोई भी रियल नंबर हो सकता है जो जीरो या जीरो से बड़ा हो। आई बात समझ में? तो वो रेंज का सेट बन जाएगा, मतलब सारे पॉजिटिव रियल नंबर प्लस जीरो क्या बनाएंगे? रेंज का सेट बनाएंगे। अब बात आती है इसके ग्राफ की। ठीक है, अब बात आती है इसके ग्राफ की। तो ग्राफ बना लेते हैं इसका, ध्यान से देखेंगे। ये एक्स एक्सिस हो गई, और यहाँ पर क्या बनाएंगे? एफ एक्स बनाएंगे वाई एक्सिस पर। ठीक है, नंबर लिख लेते हैं 2, 4, 6, 8, 2, 4 है ना, 6, 8, -2, -4, -6, -8। इनके बीच में बहुत सारे नंबर्स होंगे, -2, -4, -6। ठीक है, अब देखो जब ये x की वैल्यू कितनी थी, x की वैल्यू जीरो थी, y की वैल्यू भी जीरो थी, तो 0.00 मिल गया, x की जीरो y की जीरो। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 1, तो 1 कहाँ होगा? 0, 2 के बीच में यहाँ कहीं होगा, ऊपर भी 0, 2 के बीच में, तो ये पॉइंट मिल गया 1, 1। x में भी 1, y में भी 1। x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, ये पॉइंट आया। x में 2, y में 4। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 9, x में 3 कहीं बीच में होगा, यहाँ 2, 4 के बीच में, और y में कितना है? 9, कहीं यहाँ होगा। ठीक है, इसी तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। यहाँ पर देखेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तब भी 4 आएगा, और -3 पे भी 9 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये ग्राफ आया, ये मैं इसको अगर ठीक से बनाओगे बिल्कुल, तो ये ग्राफ आएगा आपके पास। ठीक है, ये ग्राफ आएगा, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं बच्चों? ठीक है, इस ग्राफ को हम बोलते हैं पैराबोला। ठीक है, आगे चल के पढ़ेंगे इसको सेपरेट टॉपिक में, पैराबोला हाइपरबोला, जब हम कर्व्स की स्टडी करेंगे है ना, कॉनिक सेक्शन में। तो ये हमारा ग्राफ बनता है एक्स स्क्वायर का। इसी तरीके से एग्जांपल नंबर 14 आप खुद करेंगे। एग्जांपल नंबर 14 देखिए अपनी बुक में, एग्जांपल नंबर 14, वहाँ पर आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है? एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक है, और आपको इसका ग्राफ बनाना है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का। ये क्या था? एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो ये एग्जांपल आप खुद करेंगे, बहुत सिंपल इसका ग्राफ बना सकते हैं। एक्स की डिफरेंट वैल्यूज़ पर वाई की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और आपका ग्राफ कुछ इस तरीके का बनने वाला है। ठीक, कर लेंगे इसको खुद आप, जब आप इसको बनाएंगे ग्राफ को, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रेशनल फंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक है रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन, रेशनल फंक्शन कैसे डिफाइन होता है? ए फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, जो फंक्शन एफ एक्स होगा वो किस फॉर्म में हो? जी एक्स अपॉन एच एक्स। ठीक है, एफ एक्स जी एक्स अपॉन एच एक्स की फॉर्म में हो, वेयर वेयर जी एक्स एंड एच एक्स है ना, अभी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, अभी समझेंगे इसको ध्यान से एग्जाम्पल की मदद से। जी एन एंड एच एक्स आर पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल फंक्शंस फंक्शंस, एंड एच एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। एच एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होनी चाहिए। अगर देखो एच एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, अगर एच एक्स की वैल्यू जीरो हो गई, मतलब एक्स की किसी वैल्यू पर एच एक्स कितना हो गया? जीरो हो गया, तो फंक्शन किस फॉर्म का आ जाएगा? जी एक्स अपॉन जीरो बन जाएगा, और समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है? नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो वहाँ पर हमें उस पॉइंट पर एक्स की उस वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइंड ही नहीं होगा, फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी आपको। आई बस उनमें तो याद रखें कंडीशन रेशनल फंक्शन की, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, जो रेशनल फंक्शन होता है वो दो पॉलिनोमियल फंक्शन का रेशियो होता है, और जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो एक्स की किसी वैल्यू पर एच एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने एफ एक्स लिखा एक्स स्क्वायर प्लस 3, और नीचे क्या लिख दिया? एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये मैंने एक फंक्शन लिख दिया। तो ये जो एफ एक्स है ये रेशनल फंक्शन कहलाएगा बच्चों, ये क्या कहलाएगा? रेशनल फंक्शन कहलाएगा।
आप ध्यान से देख सकते हो, आप ध्यान से देख सकते हो, इस केस में भी आप देख सकते हो ऊपर क्या है एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, नीचे भी क्या है एक पॉलीनोमियल फंक्शन है, ठीक है। इसी तरीके से और एग्जांपल लिख सकते हो, कोई फंक्शन जी एक्स मान सकते हो इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर, इस तरीके का फंक्शन ले लो, ठीक है। तो देखो जी एक्स अपॉन एच एक्स, तो यहाँ पर ये जी एक्स तो मैंने इस फंक्शन को ही मान लिया है, तो ये भी देखो क्या है दो पॉलीनोमियल फंक्शन का रेशियो हो गया। और एक्स की वह वैल्यू यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी जहाँ पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, याद रहे, ठीक है। मतलब डिनोमिनेटर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, तो इनकी कंडीशन होती है, यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी कि भैया टू प्लस थ्री एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो, यहाँ पर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो। तो ये क्या बना बच्चों हमारा, रेशनल फंक्शन बना, ठीक है। अब इस रेशनल फंक्शन पर बेस्ड भी एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको क्या एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे। तो हमारे पास फंक्शन डिफाइन है, फंक्शन डिफाइन है फ्रॉम, अब देखो इसका जो डोमेन है वो क्या है, देखो इन्होंने लिख दिया रियल नंबर माइनस जीरो, रियल नंबर में से क्या घटाओ, जीरो को घटाओ, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रियल नंबर पर जीरो को छोड़कर ये इसका डोमेन बनेगा। फंक्शन डिफाइन फ्रॉम आर माइनस जीरो टू आर सच दैट, एक मिनट इसको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल रफ कर देता हूँ ये, ठीक है। चलिए ध्यान से देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 15, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15। डिफाइन ए रियल वैल्यूड फंक्शन एफ फ्रॉम, इसका जो डोमेन है आर माइनस जीरो से, और कोडोमेन क्या है, कोई रियल नंबर का सेट है, सच दैट, जो फंक्शन की डेफिनेशन है डिफाइन बाई एफ एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स। अब ध्यान से देखो ऊपर क्या है कॉन्स्टेंट फंक्शन है, नीचे पॉलीनोमियल फंक्शन है, तो ये एक रेशनल फंक्शन बन जाएगा, ठीक भाई। कॉन्स्टेंट फंक्शन ऊपर क्या है, सिर्फ वन है, नीचे एक्स है, ये कोई पॉलीनोमियल फंक्शन है, इनका रेशियो क्या बन जाएगा, एक रेशनल फंक्शन बन जाएगा। अब देखो इन्होंने डोमेन में से जीरो को इसलिए हटा दिया क्योंकि देखो अगर आप यहाँ पर एक्स की जगह पर जीरो रखोगे तो फंक्शन क्या बनेगा, एफ जीरो वन अपॉन जीरो, वन अपॉन जीरो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, इसकी वैल्यू आपको पता ही नहीं है, तो मतलब x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती, ठीक है। तो x की वह वैल्यू हम नहीं ले सकते जिन पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, तो उन वैल्यूज़ को हम डोमेन से ही बाहर कर देंगे, क्लियर है। चलिए अब ध्यान से देखो, ये आपको क्या दे दिया गया, फंक्शन दे दिया गया, कंडीशन क्या दे दी गई, x बिलोंग्स टू r माइनस जीरो, कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो यूजिंग द डेफिनेशन, व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस फंक्शन, ठीक है। अब देखो एक टेबल दी हुई है जिसको आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। ये x हो गया, ये y, ये fx लिख सकते हो, किसके बराबर है ये, fx 1 अपॉन x के बराबर, यहां पर दिया है माइनस टू माइनस 1.5, ठीक है, माइनस 1 माइनस 0.5 0.25, ठीक है, प्लस के 0.5 1, और ये हो जाएगा आपका 1.5 और आगे दे रखा है 2, ठीक। अब x की इन वैल्यू पर y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो जब x की वैल्यू माइनस 2 है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 2, माइनस डिवाइड कर लो 0.5, तो यह आ जाएगा माइनस के 0.5। इसी तरीके से जब इसको सॉल्व करोगे माइनस 0.67, ठीक है। जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो माइनस 1 को फंक्शन में रखेंगे, तो फंक्शन में क्या रखेंगे x की जगह पर, माइनस 1 रखेंगे, तो ये कितना हो गया 1 अपॉन माइनस 1, x की जगह पर क्या पुट करो, माइनस 1, तो माइनस 1 ही आया। इसी तरीके से जब आप फंक्शन में माइनस के 0.5, फंक्शन में रखेंगे माइनस के 0.5, तो 1 अपॉन माइनस के 0.5, ठीक है, टेन हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा, माइनस टू। इसी तरीके से जब 0.25 रखोगे, ये प्लस का है, तो ये प्लस का 4 आ जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। इसी तरीके से प्लस का 0.5 रखोगे तो 2 आ जाएगा, 1 पे 1 आएगा, 1.5 पे 0.67 आएगा, और 2 पे कितना आ जाएगा, 0.5, ठीक। तो ये हमारे क्या हो गई, टेबल कंप्लीट हो गई। अब इसका ग्राफ देख लेते हैं एक बार, किस तरीके का ग्राफ बनेगा यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ वैल्यूज लिख के देते हैं, 2
फोर सिक्स एट माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स, एक मिनट देखो इस ग्राफ में x की वैल्यू हमने 2 तक ली है तो इसको इस तरीके से लिखो 0.5 1 1.52 है ना, सो ऑन, इधर भी x की वैल्यू 0.5 1 1.52 माइनस के 0.5 1 माइनस के 1.52 ऐसे नीचे हो जाएगा माइनस के 0.5 माइनस के 1.52। अब देखो जब बच्चों x की वैल्यू माइनस टू थी तो y की वैल्यू 0.5 थी, x की वैल्यू कितनी थी माइनस टू, y की वैल्यू कितनी थी 0.5, ये माइनस टू पे एक मिनट माइनस टू पे माइनस 0.5 ठीक है। जब x की वैल्यू कितनी थी माइनस के 1.5, y की वैल्यू माइनस के 0.67, x की वैल्यू माइनस के 1.5, y की वैल्यू माइनस के 0.67, तो देखो 0.5 और 1 के बीच में कहीं आएगा 67, तो ये आ जाएगी लगभग इस तरीके से ठीक है। जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू भी 1 थी, x की वैल्यू माइनस के 0.5 थी, y की वैल्यू 2 थी, माइनस के x की वैल्यू माइनस के 0.5, y की वैल्यू 2, ये यहाँ पर आएगा ठीक है। जब आप इसको ग्राफ को कंप्लीट करोगे तो कुछ इस तरीके का ग्राफ आ जाएगा ये ठीक है, और पॉजिटिव में भी कुछ इस तरीके का ग्राफ बन जाएगा ये ठीक है। इसको ठीक से बना लेना, आपके एनसीईआरटी में ग्राफ दिया हुआ है। तो ये हमारा एक एग्जांपल था इसका, रेशनल फंक्शन का। जल्दी इसको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं, और बचे कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शन। यस, आगे देखते हैं बच्चों मॉडुलस फंक्शन ठीक है। तो फिफ्थ टाइप ऑफ फंक्शन है हमारा मॉडुलस फंक्शन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है बच्चों मॉडुलस फंक्शन, बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बनते हैं। मॉडुलस फंक्शन डेफिनेशन देखते हैं, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, इसको इस तरीके से लिखते हैं मॉडुलस फंक्शन। बच्चों मॉडुलस फंक्शन एक फंक्शन होता है ठीक है, और इसके अंदर आप कोई भी नंबर रखिए, एक्स की आप कोई भी वैल्यू रखिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो निगेटिव हो, आपको आंसर हमेशा पॉजिटिव नंबर ही मिलता है ठीक है। तो मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन किस तरीके से बनती है, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, ध्यान से समझेंगे इसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ यदि एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, और एफ एक्स इक्वल टू प्लस एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो मॉडुलस फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, माइनस एक्स होता है। अगर x की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो मॉडुलस फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, प्लस x होता है। एग्जांपल देखते हैं, अगर मैंने x की वैल्यू क्या पुट की बच्चों, माइनस वन पुट की, x की जगह क्या रखा माइनस वन रखा, तो मॉडुलस फंक्शन में रखा इसको माइनस वन, तो निगेटिव नंबर के लिए मॉडुलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, माइनस x, मतलब माइनस इंटू x की जगह क्या रखेंगे माइनस वन, तो आंसर क्या मिल गया प्लस वन मिल गया ठीक है। देखो कोई भी निगेटिव नंबर हो मॉडुलस फंक्शन उसको क्या कर देता है, प्लस बना देता है। जैसे अगर आपने x में रखा माइनस के 3.5 तो फंक्शन में रखा मॉडुलस फंक्शन में माइनस के 3.5, तो देखो आंसर क्या मिलेगा, मॉडुलस फंक्शन नेगेटिव नंबर पर कैसे काम करता है, नेगेटिव एक साइन अपनी तरफ से माइनस ऐड कर देता है, तो माइनस माइनस 3.5 क्या मिला ये प्लस 3.5, आई बात समझ में। और अगर आपने मॉडुलस फंक्शन में क्या रखा, कोई पॉजिटिव नंबर रखा, जैसे एक्स इक्वल टू 2 रखा, तो फंक्शन 2 पे कैसे डिफाइन है, देखो फंक्शन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो जीरो से बड़े नंबर पे एज इट इज ही रहता है, एक्स प्लस एक्स ही रहेगा, तो प्लस टू ही है ना, तो क्या बन जाएगा, टू ही बन जाएगा। ऐसे ही एक्स इक्वल टू थ्री पर क्या हो जाएगा, फंक्शन थ्री ही बन जाएगा है ना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और जीरो पर जीरो हो जाएगा, एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स इफ एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये इसकी डेफिनेशन होती है ठीक। अब बात करते हैं इसकी डोमेन की, रेंज की, और इसके ग्राफ की ठीक है। तो अगर देखो मैं इसका ग्राफ बनाऊं, ध्यान से समझना मॉडुलस फंक्शन का, ये क्या हो गया x हो गया, और ये क्या हो गया एफ एक्स, 1, 2, 3 है ना, बीच में बहुत सारे रियल नंबर्स हो सकते हैं, माइनस वन माइनस टू, ऐसे यहाँ पर प्लस वन प्लस टू वाई एक्सिस पर एफ एक्स ले लिया था, और ये माइनस वन माइनस टू। जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो मॉडुलस फंक्शन आपको क्या देगा, 1 ही आंसर देगा, फंक्शन में 1 रखोगे तो मॉडुलस फंक्शन 1 आंसर देगा, तो 1 पे 1
टू पे टू, ऐसे ही थ्री पे थ्री, फोर पे फोर, आगे बढ़ता चला जाएगा। और जब नेगेटिव नंबर रखो है कोई, माइनस के वन पे माइनस का वन, माइनस के वन पे भी प्लस का वन ही मिलेगा। नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है, पॉजिटिव कर देता है। माइनस के 0.5 पे प्लस के 0.5 मिल जाएगा, ऐसे प्लस के 0.5 पे भी प्लस के 0.5 मिलेगा। ठीक है, माइनस के 2 पे ये क्या बना देगा, माइनस को नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है मॉडुलस फंक्शन। फंक्शन में माइनस 2 रखोगे तो प्लस का 2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का बच्चों ये इसका ग्राफ बनता है मॉडुलस फंक्शन का स्ट्रेट लाइन से। ठीक है, 0 पे 0। ठीक है, आप देख सकते हो मॉडुलस फंक्शन का जो ग्राफ है, जो एफ एक्स की वैल्यू है, वाई की वैल्यू, हमेशा ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर रहता है, एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जाता। तो यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा जो इसका डोमेन रहेगा, आप देखो ये ग्राफ इस तरफ भी है, इस तरफ भी है, तो एक्स में इसके कितनी भी वैल्यू हो सकती है, वाई माइनस एक्स में कितनी भी हो सकती है, तो इसका जो डोमेन होता है वो तो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। और जो इसकी रेंज होती है बच्चों, रेंज क्या होगी इसकी, इसकी जो रेंज बनेगी वो क्या बनेगी, आप देख सकते हो यहाँ पर ग्राफ एक्स एक्सिस से नीचे नहीं जा रहा, मतलब वाई की वैल्यू इसमें निगेटिव ही नहीं होती। अगर आप एक्स एक्सिस को नेगेटिव रखो तब भी वाई पॉजिटिव मिलेगा, एक्स एक्सिस को पॉजिटिव रखो तब भी वाई पॉजिटिव मिलेगा। तो ग्राफ हमेशा ऊपर रहता है, नेगेटिव वाई में नहीं बनता, है ना। तो हमेशा जो रेंज मिलती है वो या तो जीरो होगा या कोई पॉजिटिव रियल नंबर। तो इसकी जो रेंज किस तरीके से डिफाइन होगी, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, ये सेट बना दिया मैंने। जीरो पे क्लोज इंटरवल क्यों लगा है, क्योंकि जीरो भी आता है इसकी रेंज में। जब फंक्शन में आप जीरो रखोगे तो जीरो ही मिल जाएगा, वरना हमेशा कोई ना कोई पॉजिटिव रियल नंबर मिलेगा। ठीक है, तो ये डोमेन हो गया, ये इसकी रेंज हो गई, इसका ग्राफ हो गया मॉडुलस फंक्शन का। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फंक्शन की, दैट इज सिग्नम फंक्शन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन डिफाइन कैसे होता है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट। देखो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों, इसकी ध्यान से देखेंगे। इफ़ एक्स इज स्मॉलर देन जीरो, अगर एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू माइनस वन के बराबर होती है। इफ़ एक्स इक्वल टू जीरो तो फंक्शन की वैल्यू जीरो होती है, और एक्स जब जीरो से बड़ा हो तो फंक्शन की वैल्यू प्लस वन होती है। ठीक है, मतलब आप अगर सिग्नम फंक्शन में माइनस वन रखोगे तब भी आपको, है ना, जीरो से कोई भी छोटा नंबर रखोगे आपको हमेशा माइनस वन मिलेगा, माइनस टू रखोगे तब भी माइनस वन मिलेगा, माइनस 3.5 रखोगे तब भी माइनस वन मिलेगा। जीरो पे जीरो वैल्यू मिलती है, और x की वैल्यू जब जीरो से बड़ी होती है तो एफ एक्स कितना होता है, प्लस वन होता है। ठीक, अगर मैं इसके ग्राफ की बात करूँ, देखो इसका एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं सिग्नम फंक्शन का। एफ एक्स इक्वल टू एक फंक्शन अगर मैं यहाँ पर देखो डिफाइन करूँ, मॉडुलस x अपॉन x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू जीरो, और व्हेन x इक्वल टू जीरो फंक्शन जीरो। तो ये भी क्या है बच्चों, एक सिग्नम फंक्शन की ही डेफिनेशन है। क्या क्या डेफिनेशन मेरी सिग्नम फंक्शन की है, ध्यान से देखो। अगर x की वैल्यू जीरो नहीं है तो सिग्नम फंक्शन कैसे डिफाइन होता है, मॉडुलस x अपॉन x। अगर x की वैल्यू जीरो है तो ये जीरो। ये डेफिनेशन x इक्वल टू जीरो पे इसलिए नहीं है, अगर आप यहाँ पर x इक्वल टू जीरो रखें तो समथिंग अपॉन जीरो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिग्नम फंक्शन की यही डेफिनेशन बनती है। एग्जाम्पल देख लो रख के, मान लो आपने x की जगह पर क्या रखा बच्चों, माइनस टू रखा, तो देखो ये फंक्शन की वैल्यू क्या मिलती है आपको। जब भी x की वैल्यू जीरो नहीं होगी तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन बनेगी। तो फंक्शन की ये वाली डेफिनेशन में माइनस टू रखेंगे, मॉडुलस फंक्शन में माइनस टू रखेंगे तो टू आ जाएगा अपॉन माइनस टू, तो टू से टू खत्म, माइनस वन आया। देखा आपने, जब कोई भी निगेटिव नंबर रखा तो हमेशा माइनस वन आंसर मिलेगा, माइनस थ्री रखोगे तब भी माइनस वन आंसर रहेगा। और कोई पॉजिटिव नंबर रखो जैसे प्लस थ्री रख लिया तो फंक्शन की वैल्यू की, फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो पर यही फंक्शन बनता है, प्लस थ्री अपॉन थ्री, मॉडुलस फंक्शन में प्लस रखेंगे तो थ्री ही आएगा, अपॉन थ्री बन जाती है तो वन मिलेगा। ठीक है, तो सिग्नम फंक्शन में बच्चों नेगेटिव नंबर रखने पर हमेशा माइनस वन मिलता है, और पॉजिटिव नंबर रखने पर वन मिलता है, और जीरो रखने पर जीरो मिलता है। और अगर सिग्नम फंक्शन के मैं ग्राफ की बात करूं, सिग्नम फंक्शन के मैं ग्राफ की बात करूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एफ एक्स हो गया। ठीक है, नंबर लिख लो वन टू थ्री, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, वन टू थ्री, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री। ठीक, अब देखो x की वैल्यू आप कुछ भी रखो पॉजिटिव में, हमेशा x की जब आप कोई भी पॉजिटिव वैल्यू रखोगे तो हमेशा आपको y की वैल्यू कितनी मिलने वाली है, 1 मिलने वाली है। मतलब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1, ये पॉइंट मिलेगा। x की वैल्यू 2 पर भी y की वैल्यू 1, बीच में भी कोई वैल्यू रखोगे तब भी 1। तो ये इस तरीके का इसका सीधा ग्राफ बनेगा कि x की हर एक वैल्यू पर y की वैल्यू हमेशा 1 मिलेगी, और 0 पे 1 नहीं मिलती। तो देखो हम इसको कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से एक सर्किल बना देंगे छोटा सा,
ठीक है, इसको अंदर से शेड नहीं करेंगे, इसको खाली रखेंगे अंदर से। इसका मतलब होता है कि जो जीरो है, देखो जब एक्स की वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ये वाई की वैल्यू मिली, लेकिन जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो जीरो ही आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये सर्किल इसलिए बनाते हैं ताकि, इसका मतलब होता है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू ये नहीं है, यहाँ पर हमने डॉट बनाया, मतलब ये है। आई बात समझ? इसी तरीके से एक्स की वैल्यू जब निगेटिव नंबर होता है तो वाई की वैल्यू क्या मिलती है, माइनस वन मिलती है। तो एक्स की वैल्यू माइनस वन, वाई की वैल्यू माइनस वन मिलेगी। एक्स की वैल्यू माइनस टू रखोगे तब भी वाई की वैल्यू माइनस वन आएगी, तो ये ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ पर भी आप क्या बनाएंगे, जीरो पर सर्किल बना देंगे। इसका मतलब होता है कि जब एक्स की वैल्यू जीरो से इस तरफ है तो वाई की वैल्यू माइनस वन है, और जब एक्स की वैल्यू जीरो है तो वाई की वैल्यू ये नहीं है, उस केस में ये है। तो ये ओपन सर्किल हमने इसलिए बना दी। ओपन सर्किल का मतलब होता है कि यहाँ पे देखो, इसके ऊपर बनाया ना ओपन सर्किल, जीरो के ऊपर वाले पॉइंट पर, कि जब एक्स की वैल्यू जीरो थी तो वाई की वैल्यू ये नहीं थी, ये थी, कहीं कन्फ्यूजन ना हो जाए। ठीक है, बाकी कोई भी इस तरफ का रियल नंबर ले लो एक्स की वैल्यू में तो वाई की वैल्यू वन ही मिलेगी। तो ये क्या बन गया बच्चों, सिग्नम फंक्शन का ग्राफ बन गया। ठीक है, ध्यान से एक बार एनसीईआरटी की बुक से भी इसको एनालाइज करिए, आ जाएगा समझ में। आगे बहुत से क्वेश्चन करने हैं हमको इस पर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, और हमारा जो लास्ट स्पेशल फंक्शन आता है वो आता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, तो इसके बाद ये फिफ्थ था, सिक्स्थ था, सेवन्थ क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर सच दैट एफ एक्स इक्वल टू, इसको बच्चों हम कैपिटल ब्रैकेट में लिखते हैं, बस ये साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। जैसे यहाँ पर ये साइन मॉडुलस फंक्शन का था, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का साइन होता है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर, समझेंगे ध्यान से, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू एक्स, कि भैया एक्स से छोटा या उसके बराबर ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, डेफिनेशन से भले ही ना समझ में आ रहा हो, कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, आ जाएगा समझ में। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बच्चों लिखा 1.8, एक्स की वैल्यू क्या ली मैंने 1.8, इसको कहाँ रखा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में रखा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ ध्यान से देखेंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू, या तो लेस देन और इक्वल टू 1.8, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 1.8। तो देखो 1.8 के बराबर या उससे छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो 1.8 के बराबर या उससे छोटे कौन कौन से इंटीजर होते हैं, 1.8 खुद तो इंटीजर नहीं होता, तो 1.8 के बराबर तो कोई इंटीजर नहीं होता, उससे छोटे इंटीजर होते हैं। जैसे क्या हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, माइनस 1 हो गया, माइनस 2, ये सारे 1.8 से छोटे एंड सो ऑन। इनमें से हमें कौन सा लेना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है इनमें, 1, तो 1.8 का आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। आई बात समझ में? ठीक है, आगे और पढ़ते हैं। जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों एक्स की जगह रखा 2.4, क्या रखा 2.4, तो देखो आंसर क्या मिलेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 2.4, 2.4 के बराबर या उससे छोटे सारे इंटीजर्स देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, उनमें से ग्रेटेस्ट इंटीजर इसका आंसर होगा। तो 2.4 से बराबर तो कोई इंटीजर नहीं, तो छोटे इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 2, 1, 0, माइनस 1, सो ऑन। इसमें सबसे बड़ा क्या है, 2 ही है, तो 2 ही इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से 2.6 हो तब भी आंसर क्या बनेगा, 2 ही बनेगा। क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा इंटीजर 2.6 के बराबर या उससे छोटा, तो वो तो 2 ही है। इसी तरीके से 2.8 हो तब भी क्या रहेगा, 2 ही रहेगा। अगर 3 हो जाए, x की वैल्यू में 3 ले लूँ, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3। तो इक्वल टू में 3 के इक्वल ग्रेट इंटीजर क्या है, 3 है, और उससे छोटे क्या है, 2, 1, 0, माइनस 1, इनमें सबसे बड़ा कौन है, 3 ही है, तो 3 ही आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में आपको इंटीजर रखते हो तो आपको वही आंसर मिल जाएगा। ठीक है, या फिर वो इंटीजर नहीं है तो उससे छोटा, जो सबसे बड़ा इंटीजर लेकिन उससे छोटा हो, उससे छोटे में सबसे बड़ा जो इंटीजर होगा वो आंसर आ जाएगा। आई बस में जल्दी इसको नोट करिए बच्चों, इसका ग्राफ अभी बना रहा हूँ मैं इस तरफ ही, ध्यान से देखेंगे। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में मैंने रखा 3.6, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन
और इक्वल टू 3.6, तो 3.6 के बराबर या उससे छोटों में जो सबसे बड़ा इंटीजर हो तो वो तो 3 ही होगा। इसी तरीके से 4.8 रखोगे तो 4 ही मिल जाएगा, कोई इंटीजर रखोगे तो वही आंसर आ जाएगा। भाई इस इंटीजर से छोटा है या इसके बराबर तो सबसे बड़ा इंटीजर 5 ही हो जाएगा ना। ऐसे जब आप इसमें 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, 0 से छोटा नंबर रखा आपने जैसे माइनस के 0.5, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू माइनस के 0.5, तो क्या बना? माइनस का 1 बना, क्योंकि 0 तो बड़ा इंटीजर हो जाएगा माइनस के 1, 0.5 से ध्यान रखेंगे। आई बात सुन में? इसी तरीके से आपने 2.2 रखा तो 2.2 में आंसर इससे छोटे इंटीजर्स में 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए और देखो इसका ग्राफ देख लेते हैं, तो ये तो कुछ एग्जांपल लिखे मैंने इसको समझाने के लिए, अब इसका ग्राफ बना लेते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। ध्यान से देखेंगे, ये एक्स हो जाएगा एक्स एक्सिस, यहाँ पर क्या ले लेंगे? एफ एक्स ले लेंगे, ठीक है। 1, 2, 3, 4 सो ऑन, इधर -1, -2, -3, -4 नीचे हो जाएगा -1, -2, -3 एंड सो ऑन, ऊपर 1, 2, 3, 4। अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में जब मैं 1 रखता हूँ तो आंसर क्या मिलता है? 1 मिलता है भाई। 1 पे क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। 0.9 पे भी यही मिलेगा, 1 ही मिलेगा, वन पे 1 मिलेगा। ध्यान से देखना, 1 से छोटा नंबर रखता हूँ, जैसे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या रखा? 0.8 रखा, तो 0.8 पे क्या मिलेगा? 0 ही तो मिलेगा भाई। सबसे बड़ा इंटीजर 0.8 से छोटा या उसके बराबर, तो 0.8 के बराबर कोई इंटीजर नहीं, तो उससे छोटा सबसे बड़ा इंटीजर क्या है? 0 ही है, ठीक है। तो 0.8 पे भी आपको क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो वाई एक्स एक्सिस में कितना? 0.8, और वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका? 0 ही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से इन सभी पॉइंट पर क्या मिलेगा? 0 ही आंसर आएगा आपका। ये इस तरीके से बनाएंगे ग्राफ, और क्योंकि 1 पे 0 नहीं है तो यहाँ पर हम किस किस तरीके इसको खाली बना देंगे, खाली सर्किल। इसका मतलब क्या है कि भैया 1 पे वैल्यू 0 नहीं है उस पर, ये है, ये यहाँ से शुरू होगा, ठीक है। इसी तरीके से 2 पे वैल्यू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर मैं 1 से लेके 2 के बीच में कोई भी नंबर रखता हूँ तो आंसर 1 आता है, लेकिन 2 पे आंसर कितना आता है कि x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी आएगी? 2 आएगी, तो 2 पे 2 मिलता है। तो इसको गोला बना देंगे 2 के ऊपर, यहाँ से स्टार्ट कर देंगे 2 से, 2 से 2 पॉइंट है ना, 3 से पहले वाले नंबर के लिए। 3 पे क्या हो जाएगा? 3, बाकी सभी नंबर पे भी 3 ही वैल्यू रहेगी, ये इस तरीके से बन जाएगा। आई ना बस समझ में? क्लियर है? ये 0 तक रहेगा, 0 से छोटे नंबर के लिए, 0 से छोटे नंबर के लिए आंसर क्या आएगा? -1 आएगा। ये यहाँ पर ग्राफ ऐसे बन जाएगा, और 0 पर क्या रहेगा? 0 पर 0 रहेगा। आई बात समझ में? देखो समझो भाई, x की वैल्यू अगर मैं देखो यहाँ से, ये x को एक्सिस है ना, x की वैल्यू आपने 0.5 रखी माइनस के 0.5, तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस के 0.5 रखेंगे, इसका मतलब क्या हो गया? माइनस के 0.5 से छोटे या इसके बराबर सबसे बड़ा इंटीजर, तो माइनस 0.5 से छोटे इंटीजर क्या होते हैं? -1, -2, -3, इनमें सबसे बड़ा क्या है? -1, तो 0.5 पे -1, तो ये पॉइंट मिलेगा। इस तरीके से इन सभी नंबर्स पर यहाँ पर ये पॉइंट मिल जाएंगे आपको, क्लियर है? -1 पे -1 मिलेगा, -1 से और छोटा नंबर लोगे तो -1 से और -2 के बीच में आपको वैल्यू क्या मिलेगी? y की -2 मिलेगी। ये ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, समझ गए होंगे मेरे ख्याल से ना, देख लेना एक बार ध्यान से इसको NCERT में इस तरीके से, ठीक है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का क्या हो गया? ग्राफ हो गया। तो ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन थे, अब इसकी कुछ अलजेब्रा देखते हैं और बाकी के बच्चों एग्जांपल करते हैं। नोट करें इसको जल्दी। यस, तो देखते हैं बच्चों अलजेब्रा ऑफ फंक्शन है ना, अगर हमें दो फंक्शन दिए हुए हैं तो उनको आपस में किस तरीके से एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन किस तरीके से किया जाता है, अलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है। यहाँ से देखेंगे, इसमें पहले देखते हैं बच्चों एडिशन ऑफ टू फंक्शन। अगर देखो हमें दो फंक्शन दिए हैं, एक फंक्शन f है डिफाइंड फ्रॉम x टू सम रियल नंबर्स, या डिफाइंड फ्रॉम x टू r, ठीक है। एक फंक्शन क्या है? g है डिफाइंड फ्रॉम x टू r। तो इनका एडिशन किस तरीके से डिफाइन होता है बच्चों? तो जो इनका एडिशन होना चाहिए f प्लस g, वो भी क्या होना चाहिए? डिफाइंड फ्रॉम x टू r, ठीक है। अगर f और g कोई फंक्शन है और अगर इनका एडिशन भी f प्लस g डिफाइंड है x टू r पर, देन f प्लस जी एक्स, जो इनका एडिशन होगा उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एफ एक्स प्लस जी एक्स, सीधे सीधे दोनों फंक्शन को क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं अगर हम सब्ट्रैक्शन की है ना, इन दो फंक्शन को देखते हैं, तो इनका जो सब्ट्रैक्शन है f माइनस जी,
वो भी क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। ये भी देखो दोनों क्या है, एक्स ए आर पर है ना, दोनों के डोमेन सेम होने चाहिए, डोमेन को डोमेन। तो ये एफ माइनस जी भी क्या, एफ माइनस जी भी डिफाइन होना चाहिए एक्स ए आर पर। उस केस में एफ माइनस जी क्या होगा, इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी, एफ माइनस जी एक्स, इनका सब्ट्रैक्शन क्या बनेगा, बराबर होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स से। तो एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स से जी एक्स को घटाने पर जो कोई फंक्शन आ जाएगा वही क्या हो जाएगा, एफ माइनस जी एक्स फंक्शन कहलाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल होते हैं ये भी, आगे क्वेश्चन करेंगे एग्जाम्पल आ जाएगा समझ में आसानी से। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। तीसरा होता है बच्चों मल्टीप्लीकेशन, इसको लिखते हैं एफ जी से। तो एफ जी भी क्या डिफाइन होना चाहिए, इन दोनों फंक्शन के लिए लिखते हैं एफ जी भी डिफाइन होना चाहिए एक्स से आर पर, सच दैट एफ जी एक्स क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स। ठीक है, एफ एक्स और जी एक्स की प्रोडक्ट करने पर उनका कंपोजिशन क्या बनेगा, एफ जी एक नया फंक्शन बन जाएगा, उसको क्या बोलेंगे हम, एफ जी एक्स, और वो फंक्शन भी एक्स आर पर डिफाइन होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद फोर्थ डिवीज़न ना, दो फंक्शन का डिवीज़न किस तरीके से किया गया है। तो ये अगर कोई दो फंक्शन है एक्स आर पर, जी भी क्या है एक्स आर पर, देन इनके डिवीज़न का जो फंक्शन बनेगा एफ अपॉन जी है ना, डिफाइंड होगा एक्स से आर पर, सच दैट एफ अपॉन जी एक्स किसके बराबर होगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एंड जी एक्स शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, एक्स है ना, यहाँ पर हम डोमेन में एक्स की वह वैल्यू नहीं लेंगे जहाँ पर जी फंक्शन क्या हो रहा होगा, जी फंक्शन जीरो हो रहा होगा। आई बात समझ में, ये चलिए तो ठीक है, ये चार इसकी अलजेब्रा हो गए इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ये बच्चों अलजेब्रा हो गई फंक्शंस की। आगे देखते हैं इस पर बेस्ड कुछ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 16 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 16, लेट एफ एक्स बी ए फंक्शन इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी एक्स क्या दे रखा है, 2x+1। ठीक है, बी द टू फंक्शन सच दैट फाइंड, देखो फाइंड क्या करना है हमको, एफ प्लस जी एक्स निकालना है। तो एफ प्लस जी एक्स क्या होता है बच्चों, एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस जी एक्स कितना है, 2x+1। तो ये बन गया हमारे पास फंक्शन एफ प्लस जी एक्स। इसी तरीके से हमें कैलकुलेट करना है एफ माइनस जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस जी एक्स कितना है, 2x+1। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1। क्लियर है, आगे हमको एफ जी एक्स कैलकुलेट करना है। इसका मतलब क्या होता है, एफ एक्स इंटू जी एक्स, सिंपल एफ एक्स, एफ जी एक्स अभी अलजेब्रा में पढ़ा हमने, एफ एक्स इंटू जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दो, जी एक्स से कर दो, 2x+1। प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x³+x² के 1 से एक्स स्क्वायर आ गया। और आगे हमको कैलकुलेट करना है एफ अपॉन जी एक्स, एफ अपॉन जी एक्स, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स अपॉन जी एक्स। एफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर, और जी एक्स कितना है, 2x+1। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखनी है, एक्स की वह वैल्यू नहीं लेनी है जिसके लिए 2x+1 क्या हो जाए, जीरो। मतलब 2x+1 शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। तो अगर मैं 1 को उधर ले जाऊँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x शुड नॉट बी इक्वल टू 1 उधर जाए कितना जाएगा, -1। और इसको हम लिख सकते हैं x शुड नॉट बी इक्वल टू, दोनों तरफ 2 से डिवाइड करेंगे, -1/2। कि भैया इस फंक्शन में एफ अपॉन जी एक्स डिफाइन तो होगा लेकिन x की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1/2 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर x की जगह पर -1/2 रखोगे तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, तो डिवीजन में आप याद रखिए, जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता ये पूरा। ठीक है, इस कंडीशन को आगे बहुत हम यूज़ करते हैं जब हम डोमेन रेंज की बात करते हैं। बच्चों इस चैप्टर से रिलेटेड आपको बहुत से फंक्शंस मिलते हैं है ना, लॉगरिथमिक फंक्शन भी आते हैं जो आप आगे चल के 12th क्लास में पढ़ते हो। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको IIT जी मेंस और एडवांस में मिलते हैं। ठीक है, फंक्शन की डोमेन निकालना, रेंज निकालना। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप NCERT में तो बहुत कम क्वेश्चन दिए हुए, आप बहुत ज़्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए जिसमें आपको डोमेन और रेंज फाइंड करने को आती है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स से इसकी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। बाकी मैं भी आपको काफ़ी क्वेश्चन कराने वाला हूँ इस चैप्टर्स में। इसके बाद बच्चों एक एग्जाम्पल और दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो 17 एग्जाम्पल, इसको आप खुद करेंगे। सेम एग्जाम्पल, एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है √x,
और जी एक्स क्या दे रखा है, एक्स दे रखा है ना, और आपको यही चार चीज़ें उसमें भी फाइंड करनी है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों इतना ही, एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में इसकी कवर करेंगे। छोटी सी एक्सरसाइज दे रखी है, आप कोशिश कीजिए खुद इसको कर लीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद सर।